नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 3 अव्यूह पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा भाग है। पिछले सत्र में हमने अव्यूह की परिभाषा, अव्यूह की रचना और अव्यूहों के प्रकार पढ़े थे। इस सत्र में हम अव्यूहों की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और अव्यूहों पर कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करें अव्यूहों की समानता के बारे में। सबसे पहले हम इसे शुरुआत करेंगे एक उदाहरण से। इस चित्र में आप देख सकते हैं हमारे पास दो अव्यूह हैं। क्या मैं इन दो अव्यूह ए और बी को समान कह सकते हैं? नहीं, अस्पष्टतः ही कहेंगे। इसका कोटि यानी अव्यूह ए का कोटि 2/3 है और अव्यूह बी का कोटि 2/2, यानी कोटि बराबर नहीं है। तो इसलिए ये दोनों अव्यूह समान नहीं है। बिल्कुल सही, अव्यूहों की कोटि समान नहीं है, इसीलिए ये दोनों अव्यूह समान नहीं। अगली पंक्ति में देखेंगे, ये दोनों अव्यूह की जो कोटियां हैं वे बराबर हैं, परंतु इसके जो अव्यव हैं वे समान नहीं है। तो इसीलिए यह दोनों अव्यूह भी समान नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ -5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो ये हमारे क्या नहीं है? समान अव्यूह नहीं है। तीसरी पंक्ति में देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि यह जो दोनों अव्यूह हैं ए और बी, इन दोनों की कोटियाँ बराबर हैं, 2/3, 2/3, और इसमें आने वाले अव्यव भी सारे समान हैं, 3, 2, 1, वही हमारे ले रहे हैं, फिर भी ये समान नहीं है। ऐसा क्यों? ध्यान देंगे, बहुत जरूरी है ये बिंदु। इसके जो संगत बिंदु यानी जो संगत अव्यव है वह समान नहीं है। अव्यव तो समान है, पर जो संगत अव्यव है अव्यू ए और अव्यू बी के, वह समान भी होने जरूरी हैं। 2 1 के बराबर नहीं, इसीलिए ये दोनों अव्यूह समान नहीं। आखिरी पंक्ति में देखेंगे, इस आखिरी पंक्ति में जो हमारा अव्यूह ए और अव्यूह बी है, ये क्या है? ये समान है, कोटि भी बराबर है और जो संगत अव्यव हैं वे भी बराबर हैं। तो आइए अब परिभाषा देखें। अव्यूह की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बता रहा है? दो अव्यूह ए तथा बी समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हैं और ए का प्रत्येक अव्यव बी के संगत अव्यव के समान हो। ठीक, इसे आप व्यापक रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ए आई तथा जे के सभी मानों के लिए हमारा ए आई जे बराबर होना चाहिए बी आई जे के। आइए एक उदाहरण ले। इस उदाहरण में हमें क्या दिया है देखेंगे। हमारे पास दो अव्यूह हैं और ये दोनों अव्यूह बराबर दिए हुए हैं। हमें ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है। परिभाषा से ही हमें ज्ञात है कि अगर हमारे पास अव्यूह बराबर दिए हैं तो इन अव्यूह के जो संगत अव्यव हैं वे भी बराबर होंगे। तो हमें क्या मिलता है? a माइनस बी बराबर में -1, 2a माइनस बी बराबर में 0, c बराबर में 4, d बराबर में 5। तो परिभाषा से ही हम ये देख पा रहे हैं कि हमें c और d का तो मान मिल गया। अगर हम ये दोनों समीकरण को हल करें तो हमें a और बी का भी मान मिल जाएगा। ये आप जानते ही हैं कैसे करना है, फिर भी आइए यहाँ एक देखते हैं। अगर इसे मैं हल करूं तो हमारे पास क्या मिला? a बराबर में 1, और इस a का मान किसी भी समीकरण में भरने पर हमें b का मान मिल जाएगा और वह क्या मिल रहा है? 2। तो हमें मान मिल गए हैं किसके? a b c और d के।
ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 4 और डी का मान 5। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ें। अब हम अव्ययों पर कुछ संक्रिया पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। आइए सबसे पहली संक्रिया देखें, वे क्या है? अव्ययों का योग, जिसे हम अंग्रेजी में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी कहते हैं, यानी एडिशन ऑपरेशन। अब वह हमें क्या बता रहा है? परिभाषा आपके सामने है, वह क्या कह रहा है? मान लीजिए आपके पास दो अव्यय हैं ए और बी, दो समान कोटि के हैं। तो ध्यान देंगे, ये बहुत ही खास बिंदु है, ए और बी यानी दो अव्ययों का योगफल निकालने के लिए दोनों समान कोटि के होने अनिवार्य हैं। ये दो समान कोटि m by n के अव्ययों हैं, तो तथा a और b दोनों अव्ययों का योगफल हमें एक नया अव्यूह देगा c, और वो भी किस कोटि का होगा? m by n। और उसके अव्यव किस प्रकार होंगे, किस प्रकार परिभाषित हैं? Cij बराबर है Aij जमा Bij के, यानी सारे संगत अव्यव को अगर मैं जमा करूं तो हमें क्या मिलेगा? एक नया अव्यूह, और वह क्या है? किसके बराबर होगा? दोनों अव्ययों के योगफल के। इस चित्र से भी आपको अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो पाएगा। ये आपका एक अव्यूह है ए, ये आपका दूसरा अव्यूह बी। कोटि आप देख सकते हैं दोनों की समान है, 3/2, 3/2। तो हमारा योगफल भी एक अव्यूह मिलेगा जिसकी कोटि 3/2 की होगी। अब इसके अव्यव कैसे हम मिलेंगे? अगर मैं यहाँ पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पे स्थित अव्यव लूँ ए का, तो उसका योग होगा इसके संगत अव्यव से बी अव्यू के, ठीक है? और इसका योगफल कहाँ स्थित होगा? उसी जगह, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के स्थान पर, ठीक? इसमें चित्र में भली भांति आप देख सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण लें। इस उदाहरण में आपके पास दो अव्यूह हैं ए और बी, हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? संगत अव्ययों को जमा करना होगा। तो वही हमने किया है, देख सकते हैं ए जमा बी, ये हमारा ए अव्यूह है जिसमें हमारे अव्यव हैं 2, 3, -1, 9, 5 और 11। ये हमारा बी अव्यव है जिसके अंदर हमारे पास अव्यव हैं 1, 0, -1, 95, 2 और 7। इसको अगर हम जमा करेंगे तो संगत जो अव्यव हैं उन्हें हमें जमा करना है, यानी 2 जमा 1, 3 जमा 0, -1 जमा -1। ये करने पर हमें एक नया अव्यूह मिल रहा है, और वे क्या है? इसके अगर हम अव्यव देखें, वे क्या मिल रहे हैं हमें? 3, 3, -2, 104, 7 और 18। तो इस प्रकार हम दो अव्यूह का क्या करते हैं? योग। आइए अब अगली संक्रिया देखें, वे है एक अव्यूह का एक अदिश से गुणन, जिसे हम अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर कहते हैं। इसकी परिभाषा हमें क्या बता रही है? किसी अव्यूह के एक अदिश से गुणन को हम निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वे क्या है? यदि हमारे पास एक अव्यूह है जिसकी कोटि m by n है और हमारे पास एक अदिश k है, तो k a एक ऐसा अव्यूह है जिसे ए के प्रत्येक अव्यव को हम के से अदिश से गुणा करने पर पाएंगे। जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, हमारे पास एक अव्यूह है, इसे नामांकित कर देते हैं बी। इस बी अव्यूह को हम दो अदिश से गुणा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इसके हर एक अव्यव को दो से गुणा कर देंगे, तो हमें एक नया अव्यूह मिल रहा है,
जिसके अवयव हैं -2, 22, 4, 0, 2, 1 और 6। ठीक है, आइए अब अगला प्रकार यानी अगली संक्रिया देखें, जो कि पहली वाली संक्रिया से ही हमें मिल रहा है। ध्यान देंगे, अवयव का ऋण अवयव यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, किसी ए अवयव का ऋण अवयव माइनस ए से निरूपित होता है। हम इस ऋण अवयव को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, हमने क्या किया है, हमने ए अवयव को एक अदिश से गुणा किया है और वह अदिश क्या है, माइनस एक। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं इस अवयव ए का ऋण अवयव निकालिए, तो यानी आप क्या निकालेंगे, माइनस ए, और वे किसके बराबर होगा, आप सारे अवयव इस अवयव के सारे अवयवों को माइनस एक से गुणा कर देंगे, तो आप क्या पाएंगे, -1, 0, -2 और -4। ठीक, अगला देखेंगे अवयव का अंतर। ये भी हमारा इसी संक्रिया से प्राप्त हो रहा है। कैसे, यदि हमारे पास दो अवयव हैं ए और बी, दोनों की समान कोटि है m/n, तो इसका अंतर a घटा b एक अवयव d है, जहां इसके जो अवयव हैं वे कैसे मिल रहे हैं, aij घटा bij के रूप में, तथा इसके समस्त मानों के लिए हम इसे इस प्रकार ही परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे रूप में हम इसे ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, d किसके बराबर है, a घटा b, जो कि हम किसके रूप में लिख सकते हैं, जमा के यानी योगफल के रूप में हम लिखें तो a जमा माइनस a गुणा में b। अगर उदाहरण लेना चाहें तो आइए उदाहरण देखें। इसके अंदर अगर मैं आपको a अवयव दूं, मान लेते हैं मैंने आपको अवयव दिया है ये, और एक b अवयव दूं, इन दोनों का आपको अंतर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, a घटा b क्या बराबर हुआ, संगत जो आपके अवयव है उनका अंतर निकालना है, यानी एक माइनस माइनस एक, 2 - 5, 0 - 4, 3 - 6। ध्यान देंगे, हमने दोनों अवयवों का कोटि बराबर लिया है, अगर बराबर नहीं होगा तो हम क्या नहीं निकाल सकते, उनका अंतर नहीं निकाल सकते, जैसे कि हम योग नहीं निकाल सकते थे, उसी प्रकार हमारे पास अंतर क्या आया, 2 - 3 - 4 और -3, ये हमें अंतर मिला। इस प्रकार हम क्या करेंगे, दो अवयवों का अंतर। आइए अब आगे बढ़े, अगला हम देखेंगे अवयवों के योग के कुछ गुणधर्म। पहला गुणधर्म देखें अगर आप, क्रम विनिमय नियम, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। ये हमें क्या बता रहा है, यदि अगर हमारे पास दो अवयव हैं ए और बी, दोनों समान कोटि के हैं m/n, तो हमारे पास क्या मिलेगा, a जमा b किसके बराबर होगा, b जमा a के। आप इन सभी गुणधर्मों को एक उदाहरण से सत्यापित कर सकते हैं, यह कार्य मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगला गुणधर्म देखेंगे सहचर्य नियम, जिसे हम अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। वह क्या बतला रहा है, समान कोटि के हमारे पास कितने अवयव हैं, 3, कोटि क्या है, m/n, अवयव हैं a, b और c। सहचर्य नियम हमें क्या दर्शा रहा है, कि अगर हम पहले a जमा b करें, फिर हम c को जमा करें, या फिर पहले मैं b और c को जमा करूं और फिर
जो उत्तर आया उसमें ए को जमा करूं तो दोनों बारी हमारा उत्तर समान आएगा, यानी जो हमें अव्यूह मिलेगा वह बराबर होगा। ठीक, आइए अब आगे बढ़ें अगले गुणधर्म में। ये क्या बता रहा है? योग के तत्समक का अस्तित्व। अंग्रेजी में आप देख ही सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। वह क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक अव्यूह है जिसका कोटि m by n है, और हमारे पास एक शून्य अव्यूह भी है जिसका कोटि बराबर है m by n। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यानी दोनों का हमारा क्या होना चाहिए? कोटि समान। देखेंगे शून्य अव्यूह और a अव्यूह दोनों का जो कोटि है वह समान है m by n। तो a जमा शून्य यानी a जमा 0 बराबर में O, या फिर हम इसे शून्य भी बोल देते हैं क्योंकि ये हमारा शून्य अव्यूह है। तो शून्य जमा A किसके बराबर है? A। दूसरे शब्दों में अव्यूह के योग संक्रिया का जो तत्समक है वह है शून्य अव्यूह। ठीक, अगला गुणधर्म, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स प्रतिलोम। ठीक, मान लीजिए फिर से हमारे पास क्या है? एक अव्यूह है जिसकी कोटि हमारे पास दी हुई है m by n है। तो एक अव्यूह, ऋण अव्यूह, ध्यान देंगे माइनस a, इस अव्यूह a का क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि a जमा ऋण a किसके बराबर है? शून्य अव्यूह के। और ऋण a जमा a ये भी किसके बराबर है? शून्य अव्यूह के। ये हमें दर्शा रहा है जो a अव्यूह है इसका प्रतिलोम क्या है? सुनिश्चित है, होता है, और वह क्या है? ऋण a। ठीक, इन सभी गुणधर्मों को आप कोई भी उदाहरण लेके सत्यापित कर सकते हैं। फिर से बोल रही हैं कि यह कार्य आप पे छोड़ रही हैं। आगे देखेंगे कुछ और गुणधर्म। इस बारी हम गुणधर्म देखेंगे किसका? अव्यूह के अदिश के कुछ गुणधर्म, और वे क्या हैं? हमारे पास दो अव्यूह हैं a और b, दोनों समान कोटि के b by n के। हमारे पास दो अदिश भी हैं k और l। ठीक, अंग्रेजी में अदिश को हम स्केलर कहते हैं। तो हमारे ये जो दो गुणधर्म हैं वे हमारे क्या हैं बतलाते हैं। पहला गुणधर्म देखेंगे क्या है? k गुणा में a जमा b बराबर होता है k a जमा k b के। और दूसरा गुणधर्म, अगर मैं पहले दोनों अदिश को जमा कर दूं और फिर गुणा करूं किसी अव्यूह से तो वो किसके बराबर होगा? अगर मैं उस अव्यूह को अलग अलग, पहले अलग जो हमारे अदिश हैं उससे गुणा कर लें और फिर उसका योगफल निकालें तो उसके बराबर होगा। पहला गुणधर्म आइए एक उदाहरण से देखें, दूसरा आप स्वयं करेंगे। पहला, दो, दो बाय दो का ही हम अव्यूह ले रहे हैं। ये हमारा ए अव्यूह और बी अव्यूह हम ले लेते हैं ये। ठीक, हमारे पास एक अदिश भी होना चाहिए। मान लेते हैं एक अदिश हमने ले लिया के बराबर में दो। सरल ले रहे हैं ताकि आप ये गुणधर्म अच्छे से समझ सकें। तो उल्टे हाथ पे हमारा क्या बना? क्या होना चाहिए? के गुणा में ए जमा बी, यानी दो गुणा में हमारा ए अव्यव क्या है? एक, दो, शून्य और एक, जमा में बी। बी अव्यव क्या है? अव्यूह क्या है और इसके अव्यव है? शून्य माइनस एक, तीन और शून्य। ठीक, इस पूरे को हमें दो से गुणा करना है। सबसे पहले इसको हम क्या निकाल लें? इसका योगफल निकाल लें। एक जमा शून्य एक, दो जमा माइनस एक बना एक, शून्य जमा तीन, तीन और एक जमा शून्य एक। अब इसको
अगर हम दो अदिश से गुणा करते हैं तो हम क्या पाएंगे, दो दो छः और दो, ठीक। ये हमें क्या मिला, उल्टा हाथ। अब देखते हैं सीधा हाथ, याद रखेंगे ये हमारे अवयव हैं और के किसके बराबर है, दो के। सीधा हाथ देखेंगे, सीधे हाथ में सबसे पहले हमें के ए निकालना है, यानी दो को हमें अवयव ए से गुणा करना है। अवयव एक है, एक दो शून्य और एक, गुणा करने पर हम पाएंगे ये, ठीक। ऐसे ही अगर मैं दो बी निकालूं तो वह क्या मिला, बी हमारा शून्य माइनस एक तीन और शून्य है, तो दो गुणा करने पर मिला शून्य माइनस दो छः और शून्य। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, योगफल, यानी दो ए जमा दो बी, और देखेंगे जमा करने पर हमें क्या मिल रहा है, संगत अवयव को जमा करना है। दो जमा शून्य दो, चार जमा माइनस दो बना दो, शून्य जमा छ छ और दो जमा शून्य बना दो, आ गया बराबर। उल्टा हाथ और सीधा हाथ हमारा बराबर, यानी हमारी जो गुणधर्म है वह सत्यापित हो रहा है। इसी प्रकार आप जो अगला गुणधर्म है उसे भी आप सत्यापित कर सकते हैं। आइए जो अभी तक हमने पढ़ा उस पे एक और उदाहरण देखें। उदाहरण क्या दे रहा है, यदि हमारे पास एक अवयव के रूप में समीकरण दिया हुआ है, हमें x माइनस y का मान ज्ञात करना है, तो आइए देखें इसका उत्तर क्या है। हमें क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमें ये समीकरण पहले से ही दिया हुआ है, इसमें सारे अवयवों को पहले हम नामांकित कर लेते हैं। ये अवयव a, ये अवयव b और ये अवयव c, यानी हमें क्या निकालना है, हमें x और y का पहले मान निकालना है इस समीकरण की सहायता से। देख सकते हैं इसमें हमें दो अदिश को अवयव a से गुणा करना है, यानी दो a निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अवयव a के सारे अवयवों को दो से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर हम पाएंगे 6, 8, 10 दो गुणा में चर x जमा में अवयव b बराबर में अवयव c, ठीक। जो हमें बता रहा है, अब इन दोनों को जो हमें नया अवयव मिला इसको हम क्या करेंगे, जमा करेंगे अवयव b से, जमा करने पर हम क्या पाएंगे, 6 जमा 1, 8 जमा 4y, 10 जमा 0, 2x जमा में 1, जो कि इसके बराबर आ रहा है। सरल करने पर 7, 8 जमा 4y, 10, 2x जमा 1 बराबर अवयव c। देख सकते हैं ये दोनों अवयव क्या हैं, बराबर हैं। तो समानता की परिभाषा से जो हमारे पास संगत अवयव होंगे वह बराबर होंगे, 7, 7 के बराबर है, यानी हमारे पास समीकरण क्या मिला, 8 जमा 4y किसके बराबर होगा, शून्य के, यही लिख दिया हमने। 10 बराबर 10 दिया ही हुआ है, और हमारे पास एक और समीकरण मिला, यानी 2x जमा 1 किसके बराबर है, 5 के, ये लिख दिया। अब इन दोनों को हल करने पर हम चर y और x का मान ज्ञात कर सकते हैं। देख सकते हैं चर y का मान कितना आ रहा है, -8 यानी -8 और x का मान आ रहा है 2। तो हमने x और y का मान तो ज्ञात कर लिया, पर अब हमने क्या निकालना है, हमें क्या निकालना था, x माइनस y का मान, तो वह क्या निकला, x माइनस y का मान, x कितना है 2 माइनस -8 और ये किसके बराबर हुआ, 10 के, और यही हमें मिला, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इस सत्र में क्या क्या पढ़ा, इस सत्र में हमने अवयव के
समानता और अव्यूहों पर कुछ संक्रियाएं पढ़ी। आशा करते हैं इस सत्र में आपको आनंद आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।